जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बिहार से संबंधित कुछ चैप्टर लेकर आऊँगा, क्योंकि बीपीएससी और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने कहा था कि बिहार राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन बिहार से पूछे जाते हैं। तो ये पहला चैप्टर है बिहार से, जिसको हम कह सकते हैं बिहार का सामान्य परिचय। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मानचित्र बनाया हुआ है, तो मानचित्र के हिसाब से पहले देखते हैं इनके पड़ोसी में कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहली बात, ये ऊपर देख रहे हैं, ये हो गया उत्तर। उत्तर में कौन सा देश है आपका? तो नेपाल। नेपाल सटा हुआ है उत्तर में। अब दोस्तों, कभी कभी अगर मानचित्र का ज्ञान नहीं है तो वो पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल से सटा नहीं है, तो ये जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो जिला है आपका नेपाल से सटा हुआ है। अब दक्षिण की बात करते हैं, तो दक्षिण में देख रहे हैं यहाँ पे है झारखंड। दोस्तों, आपको पता ही है कि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ है। अब इसको हम कहते हैं, इस साइड को पूर्व और इसको हम कहेंगे पश्चिम। तो पश्चिम में आपका यूपी है और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है। ये आपका इसका पड़ोसी लोग हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए उत्तर दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345। अब इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ से पश्चिम से ले लेते हैं पूरब तक, इसकी चौड़ाई है 483 किलोमीटर। अब दोस्तों, लंबाई थोड़ा कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसकी आकृति कैसी हुई? आयताकार। तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 4163 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कितना है, तो वो है 12। ये याद रखिएगा, कितना है? 12। अब बिहार का स्थापना कब हुई? तो वो हुआ 22 मार्च 1912। अब अनुमंडल कितने हैं? तो 101। जिला परिषद कितनी है? 39। जिला की संख्या कितनी है? 38। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसे संसद एक है, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बिहार राज्य से कितने लोग लोकसभा में जाते हैं और राज्यसभा में जाते हैं? तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। अब दोस्तों, हमारे यहाँ जो विधानमंडल है उसमें भी दो सदन हैं, एक है आपका विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। तो उसकी संख्या देख लेते हैं, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। ये मैंने हो ही चुका है। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे वर्षा कितना होता है, क्योंकि यहाँ का जलवायु कैसा है, तो वो है मानसूनी, और यहाँ पे वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर लगभग होता है। अब दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे होता है ना राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु, ये सब होता है, तो यहाँ पे हम लोग राजकीय पे बात करते हैं, राजकीय भाषा क्या है। तो राजकीय भाषा क्या है हमारी? तो वो है हिंदी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंदी। दूसरा राजकीय भाषा क्या है? तो वो है उर्दू। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गोरैया। यहाँ पे राष्ट्रीय फूल क्या है? तो गेंदा फूल। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बैल। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चूंकि हमारे यहाँ बुद्ध जी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, तो वो वही वृक्ष, गया वाला बौद्धि वृक्ष। और राष्ट्रीय राजकीय मछली क्या है? तो वह है मांगूर। अब कुछ फैक्ट और भी है, देखिए हमारे यहाँ चूंकि कृषि पे ही ध्यान दिया जा सकता है, वन ज़्यादा नहीं है, वन है आपका 7 पॉइंट्स लगभग कुछ परसेंट है, तो 7 मंथ के लगभग चलते हैं, तो 17% है। और कृषि क्षेत्र पे ही हम लोग पे टिके हुए हैं, मानसूनी क्षेत्र है ही, हमारे यहाँ ज़्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे सिंचित भूमि भी आपको देखना होगा कि हमारे यहाँ सर्वाधिक, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है, वो है शेखपुरा। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, और नीचे है आपका जमुई, बीच में है आपका शेखपुरा, यानी सर्वाधिक सिंचित वाला जिला शेखपुरा। अब न्यूनतम वाला भी होगा, तो न्यूनतम सिंचित वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका जमुई।
और जमुई भी ज्यादा ये नहीं है, देखिए शेखपुरा और नीचे आपका जमुई है, एक तरफ बांका और एक तरफ नवादा। अब यहाँ पे एक और आता है, ये सबसे ज्यादा आता है कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो वो है किशनगंज, यहाँ जस्ट ऊपर में ये देखिए किशनगंज, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बिहार राज्य के हिसाब से। अब दूसरा न्यूनतम वर्षा वाला जिला वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों औरंगाबाद, यानी सबसे ऊपर में सबसे ज़्यादा और एकदम जस्ट नीचे आ जाइएगा तो इधर है आपका औरंगाबाद, ये देखिए। और औरंगाबाद के बगल में रोहतास, गया, जहानाबाद, अलवर, भोजपुर, ये सब है। तो सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज। तो ये दोस्तों थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ, और इसके जस्ट बाद मैं बनाने वाला हूँ जनसंख्या पे, यानी दो तरह की जनसंख्या होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे यानी भारत के स्तर पे, और एक राजकीय स्तर पे यानी बिहार स्तर पे। अगर भारत के स्तर पर पढ़ेंगे तो राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, और राज्य के बारे में पढ़ेंगे यानी बिहार राज्य के बारे में, तो जिला के बारे में पढ़ेंगे यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है बिहार का, कम पढ़ा लिखा कौन है, ये सब। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।